हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राशिद। मैं अपना यूट्यूब चैनल पे ट्रैवल सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इस ट्रैवल सीरीज की शुरुआत करूँगा सिटी रेगिंसबर्ग से, जहाँ मैं रह रहा हूँ। रेगिंसबर्ग जर्मनी के सूबे बवेरिया का चौथा बड़ा शहर है, जिसकी आबादी लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा है। ये शहर अपनी साउथ ईस्ट लोकेशन और रिवर डेन्यूब, जिसको जर्मन में डोनाउ भी कहते हैं, दूसरे शहरों से बहुत मुनफरिद है। डोनाउ जर्मनी का सबसे बड़ा और यूरोप का दूसरा बड़ा दरिया है। वेट अ मिनट, ये तो बहुत बोरिंग से लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई स्टोरी नहीं है। मेरी स्टोरी, आज से 5 साल पहले मैं जर्मनी आया था पढ़ने के लिए। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोग आते हैं जर्मनी पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी स्टडी कुछ इस तरह से थी। Bekommt das Geld letztlich von mir über die Börse. Insofern ist der Sekundärhandel erstmal überhaupt kein Geldfluss. German Zuban, Deutsch. मेरे सारे कोर्सेज जर्मन लैंग्वेज में थे। शुरू शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन फिर आदत पड़ गई। और ये है मेरी यूनिवर्सिटी का कैंपस, ओटेहार रेगिंसबर्ग, ओस्ट बायरिश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आई डिड माय बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको जर्मन में बेतरीबेरे भी कहते हैं। ये थी इन शॉर्ट मेरी स्टोरी, लेकिन अब चलते हैं सिटी की तरफ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस सिटी के मशहूर तरीन स्टोन ब्रिज पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये स्टोन ब्रिज 12वीं सदी में तामीर किया गया था और इसको कंप्लीट होने में तकरीबन 11 साल का अरसा लगा था। तो अब इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। रोमन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद मिडिवल टाइम में ये ब्रिज 800 साल तक एक वाहिद जरिया था, जो कि नॉर्थ और साउथ यूरोप को कनेक्ट करता था। और इसी वजह से यहाँ के लोगों ने टैक्सेस की मदद में काफ़ी दौलत कमाई। इसकी लंबाई तकरीबन 309 मीटर है और 2006 में इसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज का हिस्सा बना दिया गया। इस सिटी के दो खास टूरिस्ट एट्रैक्शन हैं, एक मेरे साइड पे आप देख रहे होंगे एक ब्रिज, और एक के पीछे बड़ा सा चर्च, जिसको ये लोग डॉम भी कहते हैं। वर्ल्ड वार के टाइम पे ये दो मखसूस जगहें ऐसी थी, और ये पूरा ओल्ड टाउन जो बमबारी से बच गया था और अभी भी तकरीबन 1000 साल गुजरने के बाद उसी हालत में मौजूद है। इसके ओल्ड टाउन में तकरीबन 2000 साल पुरानी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जो आज मिडिवल एज के पॉलिटिकल और रिलीजियस इमेज को नुमाया करती हैं। एक ज़माने में रोमर्स ने भी यहाँ पर राज किया था। यही वजह है कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म के आर्किटेक्चर एक साथ देखने को मिलते हैं, जो इस शहर की खूबसूरती में और भी इजाफा करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ इस सिटी की एक और फेमस जगह पे। यहाँ से ऊपर जाने के लिए 20 मिनट की वॉक है, तो ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ सामने सामने सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, तो ऊपर चल के देखते हैं। Somehow, and lit up a flame, and ooh, I was done feeling hopeless.
अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ, इस जगह का नाम है वालहाला। वालहाला का मतलब है हॉल ऑफ फेम। अगर आपने वाइकिंग सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा व्हाट इज़ वालहाला। जर्मनी गवर्नमेंट ने जहाँ पे जितने भी फेमस लोग हैं जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह वगैरह, उन सब के स्केचूज जो हैं वो यहाँ पे बनाए हैं इसके अंदर। अंदर से दिखाते हैं आपको कैसे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।